हेलो फ्रेंड्स, आज हम डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व, जो डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व सोलेनोइड ऑपरेटेड होता है, उसकी फंक्शनिंग वर्किंग की डिस्कस करेंगे और सिंबल्स की। ये एक वाल्व हमने खोला हुआ है, ये मैं इसके पार्ट्स आपको बता देता हूँ। ये आप देख लो, थोड़ा नज़दीक से इसका सिंबल देख लो। पहले तो सिंबल चेक करो, ठीक है ना। DSG01 मॉडल है, इसका सिंबल मैंने बोर्ड पर बनाया हुआ है। ये इसके पार्ट्स बता देता हूँ। ये वाल में इधर ये देखो टी लिखा है, तो ये जो टी लिखा है ना, ये टी जो है ना टैंक लाइन होती है, और ये जो है ना APB, ए जो लिखा है ये दिख रहा है, ए के नीचे जो होल, ये वाला होल ये ए का होल है, और जो पी है वो ये प्रेशर लाइन है, और ये बी है ये बी वाला है, ठीक है ना। और ये टी जो लिखा है टी वाला ये होल है। चार इसमें होल होते हैं जिनको हम पोर्ट कहते हैं, ठीक है। अब क्या है इसका, ये होता है मेन स्पूल। ये स्पूल का काम क्या है कि प्रेशर को किधर ए और बी में किधर देना है और किधर नहीं, ये डिसाइड करता है स्पूल। इसको कहते हैं हम स्पूल, ओके। और ये इसके वाशर्स हैं दोनों, और ये स्प्रिंग है, ओके। और ये इसके प्लंजर है मैग्नेटिक, जिस पे हम कॉइल लगाते हैं। ये एक वाल्व पूरा का पूरा मैंने कॉइल लगा के दिखाया हुआ है। अगर इसको असेंबल करते हैं तो वह ऐसे हो जाता है, और ये खोलेंगे तो ये ऐसे कॉइले हैं, दोनों खुल भी जाएंगे, ठीक है ना। तो अब मैं इस पे वाल पे इसका सिंबल देखो, ये वाला। अब मैं इस पे वर्किंग करके दिखाऊंगा। इसमें देखो, नॉर्मल कंडीशन में प्रेशर जो है ना वो टी में जा रहा है, और ए और बी कोई किसी से कनेक्ट नहीं है नॉर्मल में। तो मैं यहाँ पे देखूंगा नॉर्मल कंडीशन में, कॉयल को ऐसे कर लेता हूँ, ये नॉर्मल कंडीशन हो गई। ये देखो टी है ना, ये तो हो गई टैंक लाइन, और जो पी लिखा है, पी वाला जो पोर्ट है ये प्रेशर पोर्ट है। अब मैं इसमें तेल भरता हूँ, ठीक है ना। जो पी है ना, पी में तेल भरूंगा तो वो टी में जाना चाहिए नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है ना। तो मैं ऑयल जो है ना भरता हूँ, देखो ये पी वाले में मैं ऑयल फिल करता हूं, इधर देखना टी में जाएगा। ठीक है ना, अभी मैं तेल इसमें आ रहा है, ये देखो। हाँ, अब देखो तेल आया, ये देखो मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखो आ गया ना, इधर देखो है ना, इसमें देखो तेल, इसमें मैं डाल रहा हूँ तो इससे निकल रहा है, ओके। तो इसका मतलब नॉर्मल कंडीशन में प्रेशर वाला जो पोर्ट है वो टैंक के साथ कनेक्ट है, ठीक है ना। तेल दिख रहा है, हाँ। अब मैं क्या करूंगा, सोलेनोइड ऑन करूंगा, हीरा ये सोलेनोइड ऑन कराना, ये वाली। अब देखना कि ये प्रेशर ए से कनेक्ट हो जाएगा। ये ब्लैक और काली वाली लगाओ, ब्लैक और काली लगा के ऑन करा दो, ऑन करो। अभी क्या होगा कि ये जो कनेक्शन है ना, ये वाला देखो ऑन हो गई। अब मैं तेल डालूंगा इसमें, देखो अभी क्या हो रहा है कि हमारा जो प्रेशर है ना, इसमें देखो इसमें आ रहा है, दिख रहा है, इसमें आ रहा है। ये लाइन कौन सी है, इधर से देखो ए दिख रही है ना, ए, ये ए है। और ये वाला अगर मैं इसमें तेल डालूंगा, बी वाला, तो वो टैंक में जाएगा। देखो इसमें मैं डाल रहा हूं तो वो इस लाइन में जाएगा, देखो जा रहा है, आ रहा है ना ऊपर। इसका मतलब बी जो है ना टी से कनेक्ट है। अगर मैं ये सोलेनोइड मैंने ऑन कराई है, ऑफ करो जरा एक बार, ये देखो ये सोलेनोइड, जब मैंने ये सोलेनोइड ऑन कराई तो इसमें मैग्नेट बनता है, तो जो स्पूल होता है ये मूवमेंट करता है, इससे सब कनेक्शन इंटरचेंज होता है। हाँ, डाउन कर दो इसको। अब ये बंद करो कॉइल, ये वाली कॉइल ऑन करो। अब मैं दूसरी कॉइल ऑन कराता हूँ, और इसको वाल को एक बार खाली कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं दोबारा फिल करूंगा, हाँ। अब मैं जो प्रेशर है ना, प्रेशर तो यही है, अब हमारा प्रेशर ना बी में जाएगा, देखो। अब मैं तेल ऑन कर दूं,
ये कॉइल ऑन हो गई। अब देखो, अब ये प्रेशर जो है ना बी लाइन में जा रहा है ना, बी में देखो ये लाइन बी है, दिख रहा है ना, आ गया ऊपर, ये बी में आ गया। और जो ये जो ए था, ए में जो तेल था वो टी में जाएगा, देखो ए वाला, ए वाला टी में जाएगा, जा रहा है ना, अभी दिखाई दे जाएगा, रुक जाओ। हाँ, ठीक है ना, आ रहा है ऊपर, देखो आ गया ना टी में, ये देखो ये आ गया। तो इस तरीके से कॉइल ऑफ कर दो, ओके। तो ये इनको कहते हैं सोलेनोइड कॉइल, ये वाले, ये दोनों सोलेनोइड कॉइल है। और इस वाल को चेक करने के लिए सोलेनोइड के अलावा आप मैनुअली भी देख सकते हैं, मैं सोलेनोइड हटा देता हूं और ये भी सोलेनोइड हटा दी, ठीक है ना। और ये सोलेनोइड दोनों मैंने हटा दी, ये सोलेनोइड, सोलेनोइड से क्या होता है, मैग्नेट बनता है, तो इसके अंदर जो पिन होती है वो अंदर को आती है। देखो ये पिन दिख रही है आपको, ये अरे कहां जा रही है, ये पिन, ये पिन क्या होता है कि अंदर को धक्का मारती है और ये जो स्पूल है ये स्पूल को आगे की तरफ करती है। तो ये जो पिन आगे आएगी वो कैसे आएगी, जब मैग्नेट बनता है तो मैग्नेट से इसमें क्या होता है, पुशिंग होती है, तो पुशिंग और से पिन हमारी आगे को, ओके ठीक है। अब मैं आगे इसका मैं टेस्टर से भी दिखा देता हूं, हम टेस्टर से भी कोई भी एलन की हो उससे भी हम चेक कर सकते हैं वाल की फंक्शनिंग, ठीक है। तो ये एलन की है मेरे पास, अभी देखो ये जो है ना टी और पी, पी और टी दोनों में होगा, अगर मैं पी में तेल डालता हूं तो टी में आएगा। इसको चेक करने के लिए मैं एलन की का भी यूज कर सकता हूं, है ना, एलन की का यूज कर रहा हूं, ओके। इससे मैं क्या करूंगा, ये पी में मैंने तेल भरा और ये टी में जाके निकलेगा, जो पी टी से कनेक्ट है, नॉर्मल कंडीशन में क्या है, पी हमारा टी से कनेक्ट है, ठीक है ना। तो अब मैंने पी में तेल भर दिया और ये टी में जो है ना तेल कम पड़ गया, थोड़ी रोकना। हाँ, अब मैं इसमें तेल भर रहा हूं, पी में तेल जा रहा है, देखो टी में तेल निकलेगा, जो मेरा अंगूठा है ना, अंगूठा वाले में आ रहा है धीरे धीरे, देखो उठ रहा है, उठ रहा है, आ गया, आ गया। अब मैं इसको एलन की से भी चेक कर सकता हूं कि एलन की से यहां से अगर मैं प्रेस करता हूं, यही काम सोलेनोइड कॉइल करेगी उसे खींचने की, प्लंजर को। अब देखो जैसे ही मैं करूंगा तो जैसे ही डायरेक्शन चेंज है ना, प्रेशर हमारा, अब ये देख रहे हो ना इधर आ गया और ये लाइन इससे कनेक्ट हो गई। तो अल्टीमेटली हम एलन की का यूज करके भी चेक कर सकते हैं, मैं इधर भी लगा के देखता हूँ, ये देखो, ठीक है। अब मैं इसका वर्किंग आपको एक बार बता देता हूँ थोड़ा सा। अभी जो है ना वाल का जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे बता देता हूँ, मॉडल है DSG01 3C2, ये 01 का वाल है और 03 का होता है वो बड़ा वाल होता है, 03 का ये वाल है, देखो ये वाला बड़ा वाल, ये 03 का, ओके। अब इसमें देखो मैंने बताया था ना पी नॉर्मल, ये हमारी बीच वाली कंडीशन नॉर्मल है, पी किससे कनेक्टेड, टी से, नॉर्मल में मैंने आपको बताया था ना पी और टी दोनों, पी में जब हम तेल डाल रहे थे वो टी से निकल रहा था, ए और बी कनेक्ट नहीं थे। जैसे ही हमने सोलेनोइड ए ऑन कराई थी तो हमारा जो इस जो कनेक्शन है ऐसे हो गया था, मतलब इधर वाला पी ए से कनेक्ट हो गई थी। अगर मैं माजूम करके मान लू पी ए और बी टी, यह सिंबल होता नहीं है, मैंने लिख के खाली दिखाया है, जब हम सोलेनोइड को ऑन कराएंगे तो ऐसे कनेक्शन हो जाएगा, पी ए में जाएगा और बी टी से जाएगा। दिखाने के बाद फिर मैं इसे हटा देता हूं, अभी प्रेशर ए में जा रहा है। अगर मैं इस सोलेनोइड को ऑन कराता हूं तो हमारा क्या होगा, क्रॉस कनेक्शन हो जाएगा, प्रेशर बी में जाएगा और ए लाइन टी से कनेक्ट हो जाएगी। ये मैंने एक बार आपको वर्किंग भी दिखाया कि किस तरीके से सोलेनोइड ऑन करा के। ये दूसरा वाल मेरा जो खुला हुआ था जिसका स्पूल वो दिखाया था, जिसमें नॉर्मल कंडीशन में पी, अगर हम इस वाल की बात करें तो नॉर्मल कंडीशन में ये वाल पी जो है ना किसी से कनेक्ट नहीं है, बट ए कनेक्ट है बी से और टी से। और इस वाल में अगर हम नॉर्मल में बात करें तो कोई पी जो है ना वो कनेक्ट है सी टी से और ए इज नॉट कनेक्ट एंड बी इज नॉट कनेक्ट, ये नॉर्मल कंडीशन है दोनों वाल की। अगर मैं सोलेनोइड ए ऑन कराऊं, यहां पे मैं यहां पर लेता हूं सोलेनोइड ए,
ए ऑन कराऊंगा तो पी हमारा कनेक्ट हो जाएगा ए से और टी हो जाएगा बी से, और अगर मैं सोलेनोइड बी ऑन कराता हूं तो पी कनेक्ट हो जाएगा बी से और ए हो जाएगा टी से, तो ये क्रॉस कनेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डायरेक्शनल कंट्रोल सोलेनोइड वाल्व को फंक्शनिंग चेक करते हैं। और मैं बता दूं इस वाल्व में खराब क्या होता है, खराब होने के लिए बेसिकली या तो सोलेनोइड कॉइल खराब होती है या जो आपको मैंने स्पूल दिखाया था ये वाला देखो, इस स्पूल में क्या है कि वियर अगर बढ़ जाए तो वियर बढ़ने से ये वाल्व में क्या होता है तेल एक साइड का तेल दूसरी तरह जाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि यहाँ पे कोई बेयरिंग वो क्या बोलते हैं दोनों साइड में सील नहीं होती, सील नहीं होती, इसी में खुद खांचे बने स्लॉट बने हुए थे वही सीलिंग का काम करते हैं, मतलब ये सेल्फ लुब्रिकेशन का काम करता है, क्योंकि जब ये मूवमेंट करता है तो लुब्रिकेशन के लिए अलग से कोई ऑयल नहीं आता, यही ऑयल इसी में लुब्रिकेट करता है, तो इसी में सील अलग से होती नहीं, अगर ये घिसेगा तो एक साइड का तेल दूसरी साइड में जाना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैं बता दूं हमारे पास क्या है कि पीएलसी प्रोग्रामिंग के कोर्सेस हैं, और मैंने अभी हाइड्रोलिक का आपको दिखाया ये, तो हमारे पास मशीन्स भी हैं पीएलसी, 5 PLC हैं, इनकी प्रोग्रामिंग बेसिक से सिखाते हैं पूरा एकदम बढ़िया, वीडियो भी आप देख लेना पड़े हुए हैं चैनल पे, और स्काडा है, HMI है, ड्राइव्स है, हाइड्रोलिक जो हाइड्रोलिक अभी दिखाया, CNC VFC मशीन की मेंटेनेंस भी, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस पार्ट पूरा खोल के मैं अभी पावर मशीन भी दिखा देता हूँ जो खोली हुई है अभी जहाँ से आपने खोला है, और मैं दिखा देता हूँ ये देखो अभी ऑलरेडी काम चल रहा है, सिलेंडर भी हमने खोला हुआ है, सिलेंडर का असेंबली चल रही है, देख लो ना ये सिलेंडर है पूरा, सिलेंडर का पूरी असेंबली का काम चल रहा है, ये जो है ना यहाँ से ये पूरा पावर पॉइंट अभी खोला हुआ है, ये देखो वाल हमने यहाँ से हटा के आपको चेक करके दिखाया था, यहाँ ये ठीक है ना, ये अभी यहाँ से हमने हटाया है वाल, तो इसमें सिलेंडर्स हैं, एक सिलेंडर लगा हुआ है, दूसरा वो सिलेंडर है, इसमें PLC से प्रोग्राम करके चलाते हैं, देखो ये PLC देख लो, वो सामने PLC उधर भी है ना दिख रही है, और इधर भी PLC है, ये भी देखो इधर भी PLC है ना ठीक है डेल्टा की, और ये भी PLC है, ये हमारी BFD है, BFD दिखा दो इसे, ठीक है ना, और भी हमारे पास स्टेशन है, ये वो ऑन करना है मशीन, ऑन करना है वहां से स्विच ऑफ कर देना, तार लगा देना, ये देखो ये भी एक मशीन है, नहीं रहने रहने क्योंकि यहाँ से ना वाल, यहाँ का भी वाल हटा हुआ है तो मैं अभी ना चालू नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ से तेल निकल जाएगा ना, यहाँ भी देखो ये भी डबल सिलेंडर का पूरा हमारा स्टेशन है, इसकी प्रोग्रामिंग वायरिंग सारा PLC और HMI दिखा दो ठीक है ना, पूरा HMI PLC कंप्लीट, और ये अपना इधर का भी सर्वो का स्टेशन भी है, सर्वो का स्टेशन है ठीक है ना, और ये हमारा HMI का स्टेशन सर्वो मोटर है, और ये हमारा HMI, ये HMI का हमारा स्टेशन है ठीक है ना, और ये एलन बेल्टी PLC है, और ये सीमेंस है, बाकी BLT मशीन दिखानी है तो वो भी दिखा देते हैं, बाकी मैं ना आपको एक BMC मशीन भी अपना CNC भी दिखा देता हूँ, थोड़ा ये BMC मशीन है, हमारे पास CNC भी है, CNC दूसरी वाली यूनिट पे जो पास में ही यूनिट है उस पर, ये BMC पूरा मशीन सेटअप है, तो इसमें CNC BMC प्रोग्रामिंग डेलकैम ऑटो कैड के कोर्सेस भी हैं, कॉस्ट काफ़ी कम है, काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है दोनों कोर्सेस में, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से क्लासेस चल रही हैं, ले सकते हैं, ओके थैंक यू।